हमको बुलाया 8 बजे का, तो हम बोले हम नहीं जा पाएंगे। तो वो 11 बजे रात तक वहाँ पे था, बोला जब तक जाएंगे तुमको लेके ही जाएंगे, तो हम यहीं पे रहेंगे। लुपाटा से मतलब ऐसे करके आए अपने घर पे। अभी अभी मालती चौहान के श्रद्धांजलि देने के लिए बिश्नोई राज के प्रेमिका राधिका आया तो गाँव वालों ने पकड़ लिया, और मालती चौहान के ऊपर कैसे पहुंचाया, कौन ऊपर पहुंचाया, ये सच्चाई जानने के लिए गांव वालों ने राधिका के पकड़ के अभी इनसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रहा है। मालती चौहान ऊपर कैसे गया ये सच्चाई अगर आप लोग जानना चाहता है तो बस इस वीडियो के एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, बस एक लाइक कर दीजिए, भले ही सब्सक्राइब मत कीजिए मगर लाइक कर दीजिए। देखिए राधिका बहुत बड़ा षड्यंत्र रच कर बिश्नोई राज के इस तरह से अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया, और बिश्नोई राज भी राधिका के प्रेम में इतना अंधा हो चुका कि अपने ही पत्नी के ऊपर पहुँचा दिया। अब उन्हें स्वर्गवास होने के बाद सच्चाई पता चल रहा है कि राधिका इस खेल के महाखलनायक है। गांव वालों ने अभी राधिका के बंधक बनाकर पूरा सच्चाई उगलवाने का कोशिश कर रहा है कि मालती चौहान के साथ ऐसा कैसे हुआ। ये आया था श्रद्धांजलि देने के लिए, मगर गांव के लोग सब प्रतीक्षा में था कि जैसे ही राधिका घर पर आएगा तैसे ही उसे पकड़ के सच्चाई उगलवाया जाएगा। जितना भी बड़ा प्लान बनाया था बिश्नोई राज, कोई भी प्लान उसका अब चलने वाले नहीं है, क्योंकि सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर मालती चौहान के सपोर्ट में खड़ा हो चुका है। राधिका के भी कोई प्लान अब बिश्नोई राज के साथ चलने वाले नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब बिश्नोई राज राधिका ये दोनों बचने वाले नहीं है। जिस तरह से मालती चौहान के बदनाम करके उसे ऊपर पहुंचाया है, उसी तरह से राधिका बिश्नोई राज इन दोनों के बदनाम किया जाएगा, ऐसा गांव वालों ने जवाब दिया है। अब देखिए ये दोनों के साथ आगे क्या होता है।